हेलो स्टूडेंट्स, देखिए ये आपका सेकंड पार्ट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। इसमें मैं आपको बता रही हूँ असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस दो टाइप के होते हैं, टाइप दो नहीं होते। असर्टिव में जनरली हम ये कह सकते हैं कि नेगेटिव और अफर्मेटिव, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव दोनों ही असर्टिव का पार्ट हैं, इसलिए आप कन्फ्यूज़ ना हो इसमें। अब देखिए, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको सारे चेंजेस बता दिए थे नरेशन के कि किस तरह से क्या होता है, और आप जब तक वो सही से याद नहीं करेंगे तब तक आपका ये ढंग से नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको अच्छे से याद करना है। तो इसका फर्स्ट रूल देखिएगा, असर्टिव में जब सेंटेंस हमारा असर्टिव का होता है यानी अफर्मेटिव या निगेटिव होता है, तो पहला रूल ये होता है जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब आपको पता है, फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होती है, तो उसे उसमें जो सेस टू होता है उसे हम टेल्स में चेंज कर देते हैं। से टू इज चेंज इनटू टेल और से टू को टेल में करते हैं, एंड सेट टू इज चेंज इनटू टोल्ड और सेट टू को टोल्ड में चेंज करते हैं। मैंने ये शॉर्ट में हाईलाइट कर दिया है कि आप बिल्कुल भूले ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इज रिमूव्ड एंड कंजक्शन डैट इज़ यूज्ड। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हम हटाते हैं और उसकी जगह कंजक्शन डैट लगाते हैं, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन द प्रेजेंट टेंस, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होती है और फ्यूचर टेंस या फिर फ्यूचर टेंस में होती है, द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज़ नॉट चेंज, तब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हमारा चेंज नहीं किया जाता है। इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन द पास्ट टेंस, लेकिन अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है, द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज़ चेंज, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज किया जाता है। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ। देखिए ये आपका एग्जांपल दे रखा है, ठीक है, रवि सेज टू हिज ब्रदर दीपक विल प्ले क्रिकेट, ठीक है, रवि अपने भाई से कहता है कि दीपक क्रिकेट खेलेगा, जनरल सी बात है ये। तो अब हम इसमें देखते हैं क्या क्या देखेंगे। देखो रवि, अब ये जो हमारा सेज टू था ये किस में बदल गया, टेल्स में, ठीक, और ये जो हमारा यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा था, थोड़ा सा ये डार्क हो गया लेकिन आपको दिख रहा होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ये हमने यहाँ से कट किया और यहाँ पर क्या लगा दिया, डेट लगा दिया, ठीक है, रूल चल रहा है, और अंदर का टेंस हमने चेंज नहीं किया, इधर भी विल है और इधर भी विल है, क्यों है, क्योंकि अंदर का टेंस चेंज नहीं होगा यानी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं हुआ, ठीक, वैसे ही बन गया। तो रवि टेल्स हिज ब्रदर डैड दीपक विल प्ले क्रिकेट, ओके बेटा। अब देखिए ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, गोपाल विल से, भाई पहले में क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि वो प्रेजेंट में थी रिपोर्टिंग वर्ब। अब इसमें हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, इसमें हमारी रिपोर्टिंग वर्ब देखिएगा ये विल से लिखा है, यानी ये हमारी फ्यूचर इंडेफिनिट में है। अब ये फ्यूचर में है तब भी रिपोर्टेड स्पीच हमारी ये है, इसका टेंस चेंज नहीं होगा। तो देखिए, गोपाल विल से डैड दीपक विल प्ले क्रिकेट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह तो डैड आना ही आना है क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है, और ये क्योंकि हमारा किस में है रिपोर्टिंग वर्ब, फ्यूचर इनडेफिनेट में है, इसलिए हमारा जब हमने इनडायरेक्ट बनाया तो अंदर का टेंस चेंज नहीं हुआ, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, अब यहाँ पर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब यानी ये किस में है, पास्ट टेंस में है, सेट टू लिखा है तो ये टेंस यानी स्पीच, ये है स्पीच, स्पीच का टेंस चेंज होना है, तो सेट टू किस में चेंज होगा, ये आपने लर्न कर लिया है, टोल्ड में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आना है, डेट आ गया। अब ये आपका कौन सा टेंस है बताइए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और ये किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको टेंस के चेंजेस बता दिए थे, वो आपको याद करना है कि कौन सा टेंस किस में चेंज होगा, तभी आप बना पाएंगे। तो लक्ष्मी टोल्ड मी दैट मोहन हैड डन द वर्क, ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यूनिवर्सल ट्रूथ, चाहे यूनिवर्सल ट्रूथ हो और फैक्ट हो, इन द रिपोर्टेड स्पीच, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, फैक्ट होता है, यानी कोई भी सत्यता होती है, तो वो रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी वो वैसा का वैसा रहता है, कोई चेंज उसमें नहीं होता है। ऑल दो द वर्ब इन द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन द पास्ट टेंस, भले ही हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, क्योंकि अब तक हमने ये पढ़ा कि हमारी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तभी चेंज होगा जब
हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी, ठीक है, और अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस में होगी तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर यूनिवर्सल फैक्ट आ जाए तो भले ही हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो लेकिन टेंस स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए आप, माई मदर सैड, अब यहाँ सैड दे रखा है, सैड दिया, ठीक है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है। अब देखिए कायदे में, क्योंकि ये हमारी पास्ट टेंस में है तो यहाँ पर टेंस हमारा चेंज होना चाहिए, लेकिन ये यूनिवर्सल फैक्ट है यानी सत्यता है, इसलिए क्या होगा, हमारा टेंस चेंज नहीं होगा। और क्या है, हम वैसे ही इसको लिख देंगे, माई मदर सैड डैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, द सेकेंड पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, एंड द थर्ड पर्सन रिमेन्स अनचेंज्ड। ये मैंने आपको बताया था कि जितने भी हमारे रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउंस होते हैं तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन किस में जाते हैं, मैंने आपको एस ओ एन सन लिख के बताया था, और उसमें बताया था उसके ऊपर आप 1, 2 और 3 लिख लें, ठीक। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, सब्जेक्ट के, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन चेंज ही नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू देम आई विल लीव यू नाउ, तो ही सेड टू देम आई, आई क्या है आपका, ये आई लिखा हुआ है, देखिए अब ये स्पीच में कौन सा प्रोनाउन है आप बताइएगा, ये है आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए, आपने अभी लिखा था सॉरी फर्स्ट पर्सन गोज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ही, तो ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ही सेड टू तो आपको पता ही है क्या बन जाएगा इसका, टोल्ड, ही टोल्ड देम डैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आ गया, डैट आ गया, ठीक है। अब ये आई लिखा हुआ है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाता है, सब्जेक्ट हमारा ही लिखा हुआ है तो हमने यहाँ पे ही लिखा, आई नहीं लिखा बल्कि ही लिख दिया, ही। अब टेंस तो चेंज होना ही है क्योंकि वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है, तो हमने क्या कर दिया, विल का वुड कर दिया। ये चेंजेस भी मैं आपको फर्स्ट वीडियो में सब करा चुकी हूँ, फर्स्ट वीडियो जो है पूरी लर्निंग वीडियो है, उसे आपको लर्न करना ही करना है। तो देखिए, ही वुड लीव देम, और नाउ किस में चेंज होता है, देन में, ये सारे चेंजेस आपने याद करने हैं, सब दे रखे हैं, तो समझ गए आप इसको, ही सेड टू देम आई विल लीव यू नाउ, तो ही टोल्ड देम दैट ही वुड लीव देम देन। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अब इसमें हमने क्या ले रखा है, नेक्स्ट एग्जांपल में राम सेड टू रवि यू शुड वर्क हार्ड, अब यहाँ पर हमें मिला है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ठीक है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन मिला है, तो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये यू हमारा इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, देखिए ये है सब्जेक्ट और यहाँ होता है ऑब्जेक्ट, ठीक, तो यू हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो क्या होगा, रवि वो सॉरी राम टोल्ड रवि डैट, अब यू रवि के अकॉर्डिंग, या तो हम यहाँ दोबारा से रवि लिखें, नहीं दोबारा से रवि लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ही लिख देंगे, क्योंकि बॉय के लिए ही लिखते हैं और कोई गर्ल होती तो हम शी लिख देते, ठीक, तो सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, सॉरी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, ही लिख दिया, ही शुड वर्क हार्ड, ठीक, बताई दिया था आपको चेंजेस सारे, शुड का शुड रहा क्योंकि मैंने आपको उसमें लिखवाया चेंजेस में, वुड शुड नॉट चेंज, आप उसे ज़रूर याद करें तब आपका होगा, इसी तरह से आपको सब समझ में आ गए होंगे। अब आप एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी जो चीज़ें रह गई हैं।